कंपनी फिटेड इसमें आपको 60 लीटर का हाइड्रोलिक टैंक मिल जाता है। कंपनी फिटेड दो लीवर मिल जाता है जिसके सहारे आप ऑपरेट कर पाएंगे लोडर को। नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई शानदार फ्रेश वीडियो में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर में आने वाला कमर्शियल ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो। इस वीडियो में जानेंगे इस ट्रैक्टर के हम डायमेंशन, केवी पावर और लोडर और पीछे की सारे फीचर्स हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले इस ट्रैक्टर की अगर हम लुक की बात करेंगे तो आगे इसमें रखा गया ट्रेडिशनल लुक और जो अर्जुन का सबसे लोकप्रिय ब्रांड है नोवो, यहाँ पे आपको महिंद्रा का बैजिंग देखने को आगे से मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में जो लोडर लगे हुए हैं, इसे अगर हम लोडर की बात करेंगे तो आपको कंपनी फिटेड बुल कंपनी का इसमें लोडर मिल जाता है, जो खास बदलाव के साथ इसमें लोडर सेट किए गए हैं। इस ट्रैक्टर की अगर हम टायरों की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कंपनी फिटेड MRF का टायर, जो इसमें 950/16 करके टायर इसमें दिए हुए हैं। और इस ट्रैक्टर की अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें, हाइड्रोलिक टैंक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 60 लीटर का सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिक टैंक मिल जाता है, जिसके सहारे आप जो मास्टर सिलेंडर है और जो लोडर का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ से आप ऑपरेट कर पाएंगे। और बगल में आपको एक पंप मिल जाता है, टेंडम पंप, जिसके सहारे आप आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। इस ट्रैक्टर की अगर हम आगे की अगर लोडर की बात करेंगे तो यह पहला ऐसा लोडर है जिसमें आपको पत्ती दिए गए हैं, जो किसी भी काम को करने के लिए समर्थ है और भारी टिका हुआ है। इस ट्रैक्टर की अगर हम आगे के टायर की बात करेंगे तो कंपनी फिटेड MRF का टायर मिल जाता है और आपको बगल में फुट स्टेपर मिल जाता है, जिसके सहारे आप आसानी से प्लेटफॉर्म पर बैठ के आप काम कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर की अगर हम टायरों की बात करेंगे पीछे की, तो आपको कंपनी फिटेड 16/9/28 के टायर मिल जाते हैं, जो कि ये भारी एप्लीमेंट को आसानी से ग्रिप को पकड़ के चलाने के लिए बेटर क्वालिटी के कंपनी फिटेड टायर इसमें मिल जाता है। इस ट्रैक्टर को हम ऊपर चलते हैं और यहाँ की जानेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एनालॉग डिजिटल टाइप के इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं, जिसके सहारे आपको 12 तरह की इन्फॉर्मेशन इस डैशबोर्ड और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बाएं तरफ फेंडर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट PTO लीवर मिल जाता है, जिसके सहारे आप किसी भी एप्लीमेंट को पीछे जो चालित यंत्र है यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और कंपनी फिटेड यहाँ पे सबसे ज़्यादा बदलाव मिल जाते हैं लो, हाई और मीडियम गियर, जिसके सहारे आप सुपर सीडर चलाने के लिए सबसे बेटर क्वालिटी के इसमें बदलाव मिलते हैं। और हम कुछ और डिफरेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि लोडर चलाने के लिहाज से इस पर आपको कंपनी फिटेड दो लीवर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंस और नो डिफरेंस आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप डिफरेंस की बात करेंगे तो दोनों टायर को आप लॉक कर सकते हैं और दोनों टायर को चलाकर आप चारों फोर व्हील ड्राइव का आनंद ले सकते हैं। इस ट्रैक्टर की अगर हम एक्सेलेटर की बात करेंगे तो कारो वाला साइज में एक्सेलेटर दिए गए हैं और ब्रेकिंग की बात करेंगे तो इसमें आपको सस्पेंडेड ब्रेकिंग मिल जाता है, जो काफ़ी टिकाऊ और काफ़ी स्मूथ चलने में ये ब्रेकिंग होता है और इसमें इमर्सिड वाल्व ब्रेक देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर की अगर हम कुछ और बात करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको ब्रेकिंग मिला और दूसरा यहाँ पर आपको एक्सेलेटर मिला और तीसरी अगर बात करेंगे यहाँ पे सटे तो यहाँ पे आपको कटअप लीवर मिल जाता है, जिसके सहारे आप इंजन को बंद कर सकते हैं। तो इस ट्रैक्टर की अगर हम क्लच की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सस्पेंडेड क्लच मिल जाता है, जिसके सहारे आप आसानी से ट्रैक्टर को ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों, इस ट्रैक्टर की अगर हम यहाँ पे डिफरेंस लॉक की बात किया तो एक अलग से डिफरेंस लॉक मिल जाता है, जिसके सहारे दोनों टायर को आप लॉक कर कादों में या कीचड़ में फंसे आसानी से ट्रैक्टर को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे फेंडर में ना फैले और कुछ ना हो, इसके चलते बड़ा सा एक पुशअप पिन दिया गया है। और इस ट्रैक्टर में सबसे बेटर बदलाव की बात करूँ ना तो इसमें सुपर सडल गियर मिल जाता है, जो जिस रेस में आप ट्रैक्टर को आगे कर सकते हैं उसी रेस में आप ट्रैक्टर को पीछे कर सकते हैं, जो ये मुख्य बदलाव इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। और बाकी इस ट्रैक्टर की अगर हम पैसेंजर ग्रैब हैंडल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पैसेंजर ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जिसके सहारे आप आसानी से इस ट्रैक्टर के ऊपर आप चढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रैक्टर की अगर ट्रांसमिशन की बात की तो यहाँ पे आपको 15 आगे के और 15 पीछे के गियर मिलते हैं। इस ट्रैक्टर को हम नीचे चलते हैं और ट्रैक्टर की अगर हम HP श्रेणी की बात करें तो अपने श्रेणी में सबसे ज़्यादा 57 HP के इसमें इंजन दिए गए हैं और 213 NM टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
और 3531 सीसी के इसमें इंजन दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा दिए गए हैं। स्ट्रक्चर के और फॉर ऑल अगर हम इसकी हम वेट की बात करेंगे तो 21.35 क्विंटल के इसमें इंजन आता है। और इसके हम डायमेंशन की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलते हैं 430 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पे लोडर देख रहे हैं, इस लोडर की क्वालिटी की बात करें क्वांटिटी की, तो यहाँ पे पत्ते के हैं जिसके सहारे ये आप पत्ते को खोल के हटा सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। तो इस ट्रैक्टर की मैंने आपको क्यूबिक पावर बताया, फ्यूल एफिशिएंसी बताया और फोर व्हील ड्राइव का आनंद कैसे ले ये भी बताया। और यहाँ पे आपको आगे में टंडन पंप मिल जाता है जिसके सहारे ये सारा सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट होता है। और